हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं, जिससे कि इससे पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने वैद्युत धुर की निरक्षी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लिए थे। आज हम लोग जो है बोर्ड पेपर के लिहाज से, बोर्ड पेपर के दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग का अध्ययन करेंगे, जो कि है आप लोगों के सामने क्या लिखा गया है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत धुर पर लगने वाला बल तथा बल आघूर्ण, इसे कभी कभी बल युग्म में भी आ जाते हैं। यानी आपकी हेडिंग ये भी बन सकता है, आपका प्रश्न ये भी बन सकता है कि लगने वाले बल युग्म में क्या होंगे और बल आघूर्ण क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग के हिसाब से चलते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बना लेते हैं। तो एक समान वैद्युत क्षेत्र ई बनाते हैं, ठीक, एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, ठीक, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई हो गए। अब क्या कर रहा है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई वैद्युत धुर, तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, एक कोई वैद्युत धुर स्थित कर देते हैं, ये कोई वैद्युत धुर स्थित कर दिए, ठीक, ये हमने कह दिया कि ये कोई वैद्युत धुर स्थित हो गया। एक पे क्या कर लेते हैं, माइनस क्यू आवेश रख देते हैं, एक पे प्लस क्यू आवेश रख देते हैं, ठीक। अगर इनका नाम देना चाहो तो एक का नाम ए, एक का नाम क्या दे दिए, बी दे दिए, तथा इनके मध्य की अल्पतम दूरी क्या हो गई, 2L हो गई। तो जो आपने बनाया है सो आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या है भैया, ई है, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है, वैद्युत क्षेत्र ई है, तथा जिसमें एक वैद्युत ध्रुव, जिसमें एक वैद्युत ध्रुव ए बी है, ठीक, एक वैद्युत ध्रुव ए बी है। अब देखिएगा, तथा इन पे लगने वाला, तथा इन पर लगने वाले बल युग्म, अब आइएगा जरा से समझिएगा बल युग्म क्या होता है, बल युग्म देखिएगा। अब क्या होता है कि आपको एक बात जरूर पता होगा कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, यानी इधर पर कोई जरूर धन आवेश रहा होगा और इधर पर कोई जरूर एक ऋण आवेश रहा होगा। अब ध्यान से समझिएगा कि ये धन आवेश जो क्या होती है, ये प्लस क्यू आवेश को क्या करती है, अपनी ओर खींचने का प्रयास करेंगे, सॉरी ये जो धन आवेश है ये प्लस चार्ज को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, यानी इस पर इधर की तरफ बल लगाएंगे, तो ये प्लस वाला प्लस को क्या कर देगा, इस इधर की तरफ बल लगा देगा। हम मान लेते हैं इनके द्वारा लगने वाले बल की दिशा क्या थी, ये फोन था, पर ये जो माइनस चार्ज है ये प्लस वाला क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगा, इस पर लगने वाला जो बल हो गए F2 हो गए। ध्यान से समझिएगा, हमने आपको क्या बताया कि ये प्लस वाला प्लस को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो जिसके कारण लगने वाले बल की दिशा F1 इधर की तरफ हो गया, और ये माइनस वाला इसको इधर की तरफ क्या करेगा, आकर्षित करेगा, और प्लस वाला अपनी ओर आकर्षित कर लेगा, तो इस पे लगने वाले बल की दिशा क्या हो गई, इधर हो गई, F1 और F2 हो गए। तो लिखेंगे क्या लिखें, लगने वाले बल युग्म F बराबर क्या हो जाएगा, F1 प्लस क्या हो जाएगा, F2। ध्यान से समझिएगा, अब F1 और F2 हो गए, हम क्या जानते हैं, आप लोग जानते होंगे भैया कि समीकरण नंबर हम लोग क्या बना लेते हैं, इसे एक बना लेते हैं। अब जरा सा हम लोग स्टार्ट करते हैं, F=F1 प्लस क्या हो गए, F2 हो गए। तो इनका परिमाण भी क्यों है, इनका भी परिमाण क्यों है, तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र में, क्या जानते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश पर लगने वाला बल एफ बराबर क्यू इंटू ई, ठीक। इसी प्रकार क्या हो जाएगा, जब F1 की बात आएगी तो F1 क्या हो जाएगा, इसी प्रकार F1 क्या हो जाएगा, ध्यान से समझिएगा, F1 बराबर क्यू के स्थान पे आपका क्यू है, ठीक, और ई के स्थान पे ई है, ये हो गए F1 का मान। अगर F2 का बात आया तो F2 क्या हो जाएगा, F2 क्या है, माइनस क्यू आवेश के कारण है, तो लिखना चाहो तो लिख सकते हो माइनस क्यू आवेश के कारण लगने वाला बल F2 बराबर माइनस क्यू इंटू ई, क्योंकि यहाँ जो क्यू है वो आपका क्या है, माइनस क्यू के कारण लग रहा है। तो हम लिखेंगे F1 व F2 का मान समीकरण एक में रखने पर, क्या रखते हैं भैया, F1 व F2 का मान समीकरण एक में रखने पर, तो समीकरण एक क्या है, F बराबर F1 प्लस F2 है, F1 का मान Q इंटू E है, F2 का मान Q इंटू E माइनस में है, तो क्या हो गया, F बराबर क्या हो गए, 0। तो ध्यान से समझिएगा, यानी इस समीकरण से हमको क्या निष्कर्ष मिल रहा है, कि इस समीकरण से हमको निष्कर्ष मिला कि अगर कोई वैद्युत ध्रुव एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पे जो लगने वाला जो बल होता है वो सदैव क्या होता है, शून्य होता है, लगने वाला जो बल युग्म होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, क्योंकि जितना बल लगाकर माइनस वाला इनको अपनी ओर खींचेगा उतना
अपना बल लगाकर प्लस वाला इनको इधर की तरफ खींच लेगा, अर्थात वैद्युत ध्रुव पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो बल लग रहा है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आपका इस प्रकार ये लगने वाले जो बल युग्म थे वो निकाल लिए गए। अब बात आती है बल आघूर्ण की, तो यहीं से टॉपिक जरा सा चेंज करते हैं, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं बल आघूर्ण। ठीक भैया, बल आघूर्ण क्या होता है? तो बल आघूर्ण को हम लोग व्यक्त करते हैं टाऊ से। किससे व्यक्त करते हैं भैया? टाऊ से। तो बल आघूर्ण टाऊ इक्वल टू क्या होता है? बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो फार्मूला लिखते हैं भैया, बल गुणे बीच की लंबवत दूरी, बीच की लंबवत दूरी। ध्यान से समझिएगा भैया, बल गुणे बीच की लंबवत दूरी। तो फार्मूला बनाते हैं भैया, टाऊ इक्वल टू बल क्या है? एफ है, और बीच की लंबवत दूरी। तो इन दो इस आवेश से एक लंब दूरी खींच देते हैं और इनको यहां से मिला देते हैं, तो बीच की जो लंबवत दूरी हो जाएगी ये हो जाएगी ए बी ओ। ठीक, तो बीच की लंबवत दूरी क्या हो गई? एफ इंटू ओ बी आ गए। ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं, इसे समीकरण नंबर क्या बना लेते हैं? दो बना लेते हैं। यहां तक बात समझ आई? यानी बल क्या, बल आघूर्ण क्या होते हैं भैया? कि किसी भी वस्तु पे लगने वाला बल और उन वस्तुओं के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को ही क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं, या बल तथा बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। आइए जरा सा समझते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि ओबी, ओबी क्या है? एक लंबवत दूरी है, ओबी का मान निकालते हैं। क्या करेंगे? यहाँ पर एक कोण मान लेते हैं, यहाँ पर एक कोण क्या मान लेते हैं? थीटा मान लेते हैं। तो OB का मान निकालने के लिए हमको पता है कि ये आपका क्या है भैया? लंब है, ये आपका क्या है? कर्ण। आधार है, ये आपका क्या है? कर्ण है। तो आप ध्यान से समझिएगा कि आपको ये ज्ञात करना है और ये पता है। तो लंब और कर्ण किस अनुपात में आता है? साइन थीटा में आता है। तो लिखेंगे त्रिभुज AOB में, त्रिभुज AOB में साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होते हैं भैया? कर्ण होते हैं। और लंब यहाँ आपका क्या है? OB है। लंब क्या है? OB है। और कर्ण क्या है आपका? AB है, AB। ठीक, OB क्या है आपका? OB तो नहीं पता है। ठीक, साइन थीटा बराबर OB, और AB का मान पता है। AB क्या है भैया? 2L है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो OB बराबर आ गया 2L साइन थीटा। समीकरण नंबर क्या हो गया? दो। ठीक, अब जरा ध्यान से समझिएगा, अब हम लोग क्या करते हैं कि समीकरण दो से क्या करते हैं? समीकरण दो से OB का मान, सॉरी समीकरण तीन, समीकरण तीन से OB का मान समीकरण दो में रखने पर, तो लिखते हैं समीकरण, समीकरण तीन से OB का मान समीकरण दो में रखने पर। ठीक भैया, तो समीकरण दो क्या है? समीकरण दो है टाउ इक्वल टू एफ इंटू ओबी। एफ का मान आप लोग जानते हैं क्यू इंटू ई होता है, अभी इससे पिछले वाले टॉपिक में पढ़ा था। और ओबी, ओबी कितना है भैया? टू एल साइन थीटा। अगर हम लोग इनको व्यवस्थित करें तो क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते क्यू इंटू टू एल इंटू क्या हो गया? ई साइन थीटा। क्रम आगे पीछे कर दिए गए, तो क्यू इंटू टू एल बराबर क्या होता है? पी होता है, जिसे आप लोग वैद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हो। तो क्या हो गए? पी ई साइन थीटा। ये आ गए टाऊ, जो कि आप बल आघूर्ण निकालना चाह रहे थे, तो बल आघूर्ण आ गया टाऊ इक्वल टू पी ई साइन थीटा। कभी कभी एक नंबर का बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वैद्युत ध्रुव पर लगने वाला जो बल आघूर्ण होता है वो कब मैक्सिमम होता है, कब अधिकतम होता है? तो विशेष स्थिति लगाते हैं। क्या लगाते हैं भैया? विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में यदि क्या होगा? यदि थीटा बराबर क्या हो जाए? 90 हो जाए। यदि थीटा बराबर क्या हो जाए? 90 हो जाए, तो टाउ इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी इंटू ई। तब टाऊ जो होता है वो टाऊ क्या हो जाएगा? तब लगने वाला बल आघूर्ण टाऊ जो हो जाएगा वो टाऊ मैक्स हो जाएगा। टाऊ मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम बल आघूर्ण, तब लगने वाला बल आघूर्ण सबसे अधिकतम होगा। तो टाऊ मैक्स बराबर पी ई इंटू साइन थीटा, तो साइन 90 हो जाएंगे और साइन 90 अंश का मान सबको पता है। तो टाऊ मैक्स बराबर क्या हो जाएगा? पी इंटू ई, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो ये हो गए। अगर यही थीटा क्या हो जाए? 180 हो जाए, तो साइन 180 अंश का मान रख देंगे, तो तब भी हमको बल आघूर्ण मिल जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।